नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मॉर्फो की लेटेस्ट आरडी ड्राइवर्स आप कैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखें, एक भी स्टेप मिस ना करें, ताकि आप जो है अच्छे से अपने कंप्यूटर में मॉर्फो आरडी सर्विस की किसी भी मॉडल की ड्राइव्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकें। चलिए दोस्तों, प्रोसेस को करते हैं स्टार्ट। तो आप अपने लैपटॉप और ब्राउज़र, लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉर्फो आरडी सर्विस को सर्च करना है। मॉर्फो आरडी सर्विस सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे rdserviceonline.com आएगा, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहां पे एक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको यहां डाउनलोड की ऑप्शन को चूज करना होगा। डाउनलोड की ऑप्शन में आपके पास कौन सा मॉडल है, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड पे क्लिक कर दें, विंडो है तो विंडो पे क्लिक कर दें। और ये लोकल होस्ट के लिए होता है, विंडो के लोकल होस्ट में अगर काम करना है उसके लिए, और ये विंडो के HTTP IP एड्रेस के लिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पर कर लेते हैं विंडो HTTP। ये स्क्वायर में जाना है, ये स्क्वायर होता है, तो विंडो HTTPS 127.001। चलिए हमने कर ली हैं दोनों ड्राइवर्स, तो अभी हम यहाँ पे स्क्वायर वाली, अगर आपके पास ज़्यादा सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर है तो आप ज़्यादा सिक्योरिटी वाले सॉफ्टवेयर पे जाएं, यानी आप HTTPS को यहाँ पे डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड होती है उसको डबल क्लिक यहाँ पे कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाती है, तो आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जिप फाइल को ओपन करने का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसके लिए आप बिन जिप को किसी एक को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। अगर आपको ये पूरी प्रोसेस नहीं आती है तो आप हमारे चैनल में वीडियो के कॉलम में जाके 7-Zip सर्च करके या जिप मैनेजर सर्च करके आप जो है फाइल मैनेजर सर्च करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे अपना फोल्डर कर दिया ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमन आरडी सेटअप वाला जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आप ये पूरी प्रोसेस होने दें अपने कंप्यूटर में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मॉर्फो आरडी सर्विस स्टार्टिंग और मॉर्फो आरडी सर्विस बार स्टार्टेड सक्सेसफुली। ये सारा का सारा प्रोसेस आप अपने कंप्यूटर में कंप्लीट होने दें, इसमें 1-2 मिनट के लगभग का टाइम लगता है। जैसे दोस्तों ये प्रोसेस होगा कंप्लीट, तो आपको कंप्यूटर को करना है रीस्टार्ट। तो आप यस रीस्टार्ट द कंप्यूटर नाउ पे क्लिक करके फिनिश कर दें। जैसे आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आप अपना मॉर्फो का आरडी डिवाइस इसमें लगाएंगे, तो आपके पास डिवाइस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी जैसे ही आपकी ड्राइवर्स इसमें इंस्टॉल हो जाएगी तो ये रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली बता देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने भी अपने कंप्यूटर में आरडी सर्विस को कर लिया होगा इंस्टॉल, और मॉर्फो की डिवाइस आपके कंप्यूटर में होगी इंस्टॉल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।